रात के लगभग 8 बज चुके हैं। एंड वेट, अभी आप लोगों को एक चीज दिखाते हैं। इस लड़की को देखो, सो रही है। मतलब ये क्या, हम आकाश और ये तीनों सो रहे थे। 2 बजे लगभग हम लोग हॉस्पिटल से आ गए थे, और आने के बाद से ही जो हम लोग लगातार सो रहे हैं ना। एंड अब जाके रात के 8 बजे हम लोगों की नींद खुली है। चेहरा सूज गया है सो सो के, इतनी गर्मी उठ गई लाइट से। बहन आऊँ मैं तुम्हारे पास, आऊँ मैं तुम्हारे पास। उठ जा बहन, 8 बज गया, अब खाने वाने भी जाना है। उससे पहले मेरे को नहाना है, मेरे को भी नहाना, बहुत पसीना हो गया यार। हम उसी कपड़े में भी सो गए। नहा वहा के आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। यार बहन तुम भी भींग चुकी है, बट फिर भी नीचे वाले रूम के कंपैरेटिवली ऊपर वाला रूम बहुत अच्छा है। एटलीस्ट ऊपर हमें नींद आ जाती है, नीचे रानी नींद भी नहीं आती थी ना। सफोकेशन लगता था बहुत ज्यादा। क्या? सफोकेशन बहुत ज्यादा लगता था। और उस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं थी, इस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन है। आते हैं नहा के, फिर मिलते हैं। हाँ सो हम लोग नहा लिए हैं, और जितनी जल्दी हम लोगों ने नहाया ना, उतनी ही जल्दी हम लोग सूख भी गए, और उतनी ही जल्दी हम लोगों को पसीना भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर नहाना ना नहाना बात बराबर ही है, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हम किचकिचा गए, हम लिटरली यहाँ की गर्मी से किचकिचा गए हैं। सब कुछ यहाँ पर ठीक है, पर यहाँ की गर्मी ना बर्दाश्त से बाहर है। खैर अभी रात के 9:15-9:30 हो रहे हैं। हमने पहले सोचा था कि कचौड़ी बनाएंगे सत्तू भर के, फिर हमने जब हिसाब किताब किया तो फॉर्च्यून कितने का, आई थिंक 80 रुपया का, और उसके बाद सत्तू भी 50 रुपया का, तो ले दे के हिसाब 150। तो फिर हमने सोचा कि 150 खर्च करने से बेहतर है 100 रुपये और खर्च करके बाहर ही खा लेते हैं, रोटी सब्जी समथिंग लाइक दैट, कुछ हल्का फुल्का। और गर्मी में ना बनाने का मन भी नहीं है यार। और साथ ही साथ मेरे को ना एक आध लोअर चाहिए, क्योंकि हम ना बहुत अच्छा अच्छा लोअर लाए नहीं है, मतलब कपड़ा में हो गया पता, इतनी गर्मी है यार। तो मेरे को भी दीदी शॉर्ट्स चाहिए। हाँ चाहिए, क्योंकि हम मर रहे हैं। तो चलो चल रहे हैं अभी बाहर, खाना वाना खाते हैं और वहीं पर बात करते हैं। हमारा भाई चाय लेकर के आ गया। जल गया गर्मी में, इतना गर्मी। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है चाय कॉफी और ये मधुरी वड़ा, जो कि बड़ा टेस्टी लगता है नमकीन चाय के साथ के लिए ना। और दीदी चाय ऑर्डर की है, हम कॉफी ऑर्डर की है, चलो अब खा लेते हैं। हाँ, और इसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे, और फिर शॉपिंग से आके हम लोग जाएंगे डिनर पे। शॉर्ट्स लेने का प्लान कैंसिल, क्योंकि 200 रुपए भाड़ा लगा के जाओ, 200 रुपए लगा के आओ, 400, फिर 400 का शॉर्ट्स में एक शॉर्ट्स आ जाएगा नहीं, और 3-4 दिन की ही बात है दीदी। हाँ। मैनेज कर लेगी, जब 15 दिन कर लिए ना, अंदर का कंजूसी जाता नहीं है। बहुत सोचे, बहुत विचारे, फिर सोचे कि छोड़ दो। दीदी का यहाँ पर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर आवरा ले लिया। कुछ भी, खुद का चटोरा जीव अपना रूम, पूरा रूम में बालों बाल करती है यार। यहाँ बाल तो झड़ रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन आंवला हम भी खाते हैं। हम लोग आ गए सीधे पेट पूजा करने के लिए कि खा के ना रूम में ही जाएंगे। हाँ। तो तुरंत निकल रहे दीदी, थक नहीं जा रहे हम लोग, गर्मी के कारण, मतलब गर्मी थका दे रहा है, गर्मी। चलो, और अभी बज रहे हैं 3:00। हम लोग थोड़ा सा रेडी वेडी हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है थोड़ा बाहर जाने के लिए। कहाँ हम लोग जा रहे हैं? विलोर फोर्ट, सुना है बहुत ज्यादा कि फेमस है, और हम लोगों के जो होटल है ना उससे भी बहुत नजदीक है, 2-3 किलोमीटर का ही दूरी है। तो हम लोग सोच रहे हैं घूम आते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा जो टेंशन है ना वो कम हो गया है हमारे पास, मैक्सिमम 3-4 दिन बचे हैं, तो सोच रहे हैं वसूल लेते हैं। अच्छा, टेंशन से याद आया, अभी हमने आपको बताया नहीं ना कि आज फाइनल था मेरा, तो आज सारे रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद डॉक्टर ने बोला है कि सर्जरी वगैरह की अभी जरूरत नहीं है। उन्होंने मेरे को, वाह कितना रिलीफ फील होता है यार, मेरा फटा पड़ा था। उन्होंने बोला कि अभी 6 महीने तक दवा चलेगी, दवा खाओ, अगर 6 महीने तक कुछ सुधार होता है तो वेल एंड गुड, और सुधार नहीं होता है तो आप फिर से मेरे से आकर के मिलो, देखा जाएगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं। एंड पूरी डिटेल हम लोग आपको बाद में बताएंगे रांची में, क्योंकि इतनी लंबी दास्तान है, इतनी लंबी दास्तान है कि हम कैसे समझाएं आप लोगों को, और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होंगी जो इस प्रॉब्लम से जूझ रही होंगी, तो मे भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। अभी के लिए इतना जान लो कि सब बढ़िया है। चलो हम लोग तो यही आशा कर रहे थे कि यहाँ पर बस दीदी ना ठीक हो जाए, और अब बस दवाइयाँ चलेगी, देखते हैं कि दवाइयों से दीदी को असर होता है कि नहीं। हम तो ठीक हो गए, पर मेरा बाल पूरा झड़ गया है, मेरे मुंह में आ रहा था तब से तुम्हारा बाल, पता है। ठीक है सुनो, आप रेडी वेडी होके बाहर मिले। हाँ, अच्छे से पहले तैयार हो लेते हैं। सो हम लोग रेडी शेडी हो गए हैं, कहाँ जाना है? फोर्ट। हाँ, और अभी हाँ पता है फोर्ट जाना, रास्ता पूछ रहे थे इधर या इधर। कितने दिनों के बाद यार अच्छे से रेडी हुए हैं, लिटरली अच्छे से, क्योंकि खुश है। थोड़ा सा टेंशन फ्री लग रहा है ना दीदी, एकदम टेंशन फ्री हो गया, थोड़ा सा बस एंजॉय करना और रांची जाना यार, घर को बहुत मिस कर रहे हैं। हमें यार रह रहे लगभग 15 दिन हो गया ना। हाँ यार, अप्रोक्सीमेटली
इन 15 दिन में हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे क्योंकि मन नहीं कर रहा था, अंदर से खुशी नहीं आ रहा था। बताओ ना, 4 बजने को लग रहा धूप देख के कि 4 बज रहे हैं। आज जाएंगे, तुम पता पसीना से भींग गई हो अभी तुरंत, आज जाएंगे, ढेर सारे फोटोज लेंगे, थोड़ा रील्स बनाएंगे, बस खाएंगे पियेंगे नहीं, वही तो मेन चीज है। खुशी से मैं भूल गया था। तो चलो चलते हैं। वैसे सोच रहे हम लोग पैदल ही जाएंगे क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस है ज्यादा नहीं, 2 से 3 किलोमीटर का। नहीं हुआ दोस्तों पैदल, हम लोगों ने ऑटो ले ही लिया वेलोर फोर्ट तक। मतलब 1 किलोमीटर भी जाना नहीं हो पा रहा था, दीदी का पसीना अभी छू रहा यार, बहुत गर्मी है। बट मतलब गर्मी नहीं होती तो सब ठीक होता, गर्मी ना बहुत ज्यादा परेशान करके रख दी हम लोग को, गर्मी हम लोगों को परेशान कर दिया है, करके रख दी है। अरे यहाँ सब जो सुन के सब बड़ा हो गया है मेरा। तो बाहर ही दीदी को एक कुल्फी वाले अंकल मिल गए और दीदी कुल्फी ले रही है। पहले एक लेके ट्राई कर रहे कि कैसा है कुल्फी ना, क्योंकि गर्मी बहुत है यार। दीदी पसीने से तुम चमक रही हो, पता है, चमक तो रही हो लेकिन वो पसीने से चमक रही हो। खा के बताओ कैसा है। नाइस, तो एक हम भी ले लें, 10 का 2 जग और बोल दो। दीदी टेस्ट कर रही है फिर हम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दीदी का चॉइस कैसा है, मतलब टेस्ट कैसा है। बहुत वाव नहीं है, अच्छा। हाँ दीदी मिल्की फ्लेवर, मतलब वही एकदम कुल्फी लग रहा है, हम लोग के साइड का ही कुल्फी लग रहा है। 10 रुपए में इससे तो कुछ अच्छा मिल नहीं सकता, बट अच्छा है। इधर से ठंडा जा रहा है, पसीना निकल रहा है। आफ्टर टेस्ट बहुत मीठा नहीं है, बहुत मीठा है, तो स्लाइटली मीठा। कोई बात नहीं, गर्मी में ना बहुत अच्छा लग रहा है। यही पगला हिस्ट्री पढ़ा रहा है। क्या हुआ है कर बताना था। मतलब किले के चारों ओर पानी इसलिए रखा जाता है ताकि इलीगल एंट्री से बचा जा सके किले के अंदर। पगला हिस्ट्री पढ़ा रहा है। चलो मगरमच्छ भी है इसका, पगला तो भाई गई मगरमच्छ देखने। हे भगवान, तुम्हारा प्रतिबिंब दिख रहा है, मगरमच्छ देख रही हूँ। लेकिन सुंदर है ना बाहर से, स्लिप नहीं करना भाई, पता नहीं मेरे को लग रहा है यहाँ पर स्लिपरी है। हाथ मांगे तो उंगली दे रही हो, वो भी मिडिल फिंगर। तुम इसी लायक है। वहाँ जो अंकल बैठे हुए हैं ना, वो तोता से फ्यूचर निकालते हैं। आकाश 50 रुपीज करते एक। आकाश गया पूछने के लिए। चलो तो चलो आई बम्बी, हम तो गिर गए हैं यार, डिहाइड्रेशन हो गया यार। चल देखे दीदी। मिठू लाल क्या निकालते हैं मेरे लिए। तुम्हारा नाम के शंकर भगवान साई बाबा, तुम्हारा नाम के फ्यूचर लाइफ मेडिटेशन हेल्थ माइंड फैमिली मम्मी डैडी ब्रदर अंकल सिस्टर फ्रेंड सर्कल फैमिली सर्कल खाना कपड़ा प्रॉब्लम हो। तुम्हारा नाम के दुर्गा देवी, दुर्गा देवी की कंटिन्यू पूजा करना, स्टडी स्टेप पर स्टेप पर डेवलपमेंट, फ्यूचर प्रॉब्लम नो, ओनली रिलैक्स एंजॉय। रानी का भविष्य तो हमने देख लिया, आगे बताते हैं आपको। नो प्रॉब्लम रानी का बस एक ही चीज था, नो प्रॉब्लम, लाइफ में एकदम रिलैक्स होके जिएगी, नो प्रॉब्लम, बस दुर्गा माँ और गणेश जी का पूजा करना है। रानी को बस वो बहन स्लिपरी है, तुमसे दिक्कत नहीं है, लाइफ एंजॉय, तुम्हारा लाइफ पेनफुल हो जाएगा। हमको तुमसे दिक्कत नहीं है दीदी, हमको कुछ नहीं होना चाहिए। कैसी बहन हो बहन, हम तुम्हारे लिए एसेट है। आकाश कौन सा टेम्पल है ये? जलान कंटेंश्वर। इट्स नॉट कंटेंश्वर, इट्स कांटेश्वर, मतलब कांटेश्वर बोल सकते हैं, कंटेंश्वर। बहुत इंग्लिश, सो मेनी इंग्लिश भाई, भाई सो मेनी इंग्लिश भाई। सो हम लोग टेम्पल के पास आ गए हैं, ये यहाँ खड़े होके फोटो लो ना, इतना सुंदर आएगा ना। चल चल लेते हैं, चल। साउथ के टेम्पल है ना, ग्रैंड, जबरदस्त, सीरियसली आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है ऐसा आर्किटेक्चर फिर से तैयार कर पाना। बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सुंदर। क्या गजरा? हाँ गजरा तो आपको हर गली कुच्चे पर मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये हम लोग मेन मंदिर के सामने आ गए और देखो ना कितना सुंदर दिख रहा है। मतलब ये सामने का बस व्यू है, इसके अंदर भी मंदिर है, इसके अंदर भी मंदिर है। तो बस हम लोग अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। अब जा रहे हैं हम लोग म्यूजियम की ओर, पर उससे पहले ठंडा पानी दे दो। हाँ पानी प्यास बहुत जोर से लगी है, कुल्फी तो खा ली है। नहीं यार प्यास बुझानी है, यू नो प्यास, आत्मा को संतुष्टि चाहिए। हमको घर का पानी चाहिए, घर के ग्लास में। वाह वो ज्यादा ही महंगा पड़ जाएगा बहन, अभी 20 रुपए वाला बिस्लेरी से काम चला। 4 दिन और, 4 दिन उसके बाद हम लोग घर। ओ गॉड,
बस बस हो गया, चलो पहले पानी पीते हैं। यार आप लोकेशन देखो, आकाश दिखाओ। ये पूरा लगभग नहीं भी तो होगा 150 साल पुराना पेड़। सही में है ना, पता है यहाँ पर ना भूतिया स्टोरी बोलने में बहुत मजा आएगा ना दीदी। मजा नहीं आएगा, फटेगा। अभी रोशनी है तो ठीक लग रहा है, पूरा फील है। यहाँ पर पूजा भी होता है तो तुम लोगों को नहीं डर लगेगा। आप लोगों को पता है आज गरम गरम गीली कढ़ाई में ये सरसों का तेल डाल दिया व्लॉगिंग के चक्कर में, बेवकूफ। कोई नहीं, हाँ तो देखो आप लोगों को पता है बाहर नहीं खाने का एक रीजन ये भी है कि हमारा आज हमने ना जोड़ घटाव किया, बहुत खर्चा हो गया है बाहर के खाने में ना, क्योंकि जब जॉब 500-700 दिन में दो बार निकल ही जा रहा है, मतलब पर डे हमारा 1500 से 2000 का खर्चा आ रहा है बाहर के खाने का, इंक्लूडिंग चाय, नारियल पानी, फल, एवरीथिंग, है ना नानी। तो यहाँ पर खाना तो बन चुका है, और दीदी अपने लिए दही का क्या बना रही है, पता नहीं कुछ मिक्सर विक्सर क्या बना रही है दीदी। हम इसमें चाट मसाला, हाँ मसाला और भी जो भी मिलेगा डाल दो, चाय पत्ती भी डाल दो। और मेरे को दही बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो ये है मेरा सिंपल सा खाना। अब चलो खाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इट्स द नेक्स्ट डे, लास्ट डे इन वेलोर, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। बहुत धूप है, बहुत धूप है। सीरियसली यार 6 बजे तक यहाँ धूप रहती है, एकदम दिन जैसा माहौल रहता है 6 बजे तक। खैर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी जा रहे हैं थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए। एक्चुअली हम लोग 2 ही बजे से सोच रहे थे कि अब निकलेंगे, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, एकदम लग रहा था कि जल जाएंगे, झुलस जाएंगे एकदम सूर्य की गर्मी में। तो 4 बजे हम लोग हिम्मत बटोर के जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। वैसे हम लोग ब्रेड जैम खाते हैं ना, हाँ मतलब हमने कुछ हैवी मील नहीं किया था, तो अभी जा रहे खा रहे। और दिन भर से हम लोग बिजी थे सामान पैक करने के लिए, क्योंकि कल सवेरे 6 बजे हमारी ट्रेन है। सही में है ना, तो चल भाई चल। सुबह वाला ट्रेन पसंद नहीं यार। कोई बात नहीं यार, अब रांची जाएंगे, अब बहुत गर्मी हो गई, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा पूरा टैनिंग के कारण ना और घमोरी के कारण शरीर बर्बाद हो गया है। मेरे को बॉडी एक्ने कभी नहीं होता था, बट लिटरली मतलब घिरा आ गया हम। मेरे को भी नहीं होता था बट यहाँ पर सब हो गया। देखो ना ये पाउडर हम गला में पूरा पाउडर लगा के ही जा रहे, जैसे मम्मी लोग बचपन में करती थी। चल बहन। सो यहाँ रानी का इडली, मतलब रानी के लिए इडली आ गया, रानी के लिए इडली आ गया। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस मिंट वाली चटनी, ये माई गॉड ये हम कभी नहीं खाए थे, बेस्ट है रानी। मतलब सर से रेसिपी पूछ ले सर कैसे बनाते हैं। मैं तेरा नाक में पिंपल्स हो गया बहन, मतलब क्या हालत हो गया ना, तुम समझ नहीं सकती, दुख दर्द किया था। सो रानी आ गई अपने फेवरेट जगह पे, कौन सा लेना है? कंफ्यूज हो गया यार, इतने सारे ऑप्शन थे, कौन सा लेती थी? मेरे को तो सब अच्छा लग रहा, ये वाला अच्छा लग रहा। तो हमने बहुत सारा मिठाई ले लिया, मतलब घर वालों के लिए भी और थोड़ा सा अपने लिए भी, कि ट्रेन में कुछ खाते पीते चलेंगे। बस अब चलते हैं घर की ओर। 15 दिन के लिए हमने 15 साल वाला टाइप घर बसा लिया यहाँ पे। हम लोग आए थे 3 ट्रॉली लेकर के, और छोटे छोटे झोले तो बहुत सारे थे, पर अब मेरे को लग रहा है 3 ट्रॉली के अलावे 5 या 7 झोले जाएंगे टोटल। आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा नज़ारा देखो, क्योंकि पूरा दिखाएंगे तो आप लोग का सर चकरा जाएगा। ये एक ट्रॉली है जिसमें हम लोग सब कुछ ले जा रहे हैं, जो हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है और जो खाने का सामान हम लोग लाए थे, इसमें सारा शीशा है, ठीक है। और ये टब हम लोगों ने यहीं पर खरीदा था, और यहाँ पर भी सामान भर चुका है, थोड़ा बहुत सामान इस ट्रॉली में जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है ये बर्तन, और ये केवल इकलौते इतने ही बर्तन नहीं है, बहुत सारे बर्तन है। अभी बहुत सारे बर्तन में तो हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि पिछले बार हम लोग केवल लिट्टी लेकर के आए थे, सब्जी लेकर के आए नहीं थे, तो इस बार हम सब्जी भी लेंगे, लिट्टी भी लेंगे, मैगी भी बना के ले जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का सफर है। पॉपकॉर्न भी बना रहे हैं। मम्मी वाला कुछ तो आज हम लोग में है कि हम लोग बना के इतना कुछ ले। पिछले बार हम लोग के साथ धोखा हुआ था, इसीलिए हम लोग गलती नहीं करेंगे। किसका फोन आ रहा? रानी का फोन आ रहा है। मम्मी मम्मी का फोन आ रहा है। मम्मी का वीडियो कॉल पे दर्शन कराते हैं, रुको। हमारे बगल में कुछ लोग आए हैं, बोलना नहीं चाहिए पर इतने इरिटेटिंग है। हमारे मतलब इनसे पहले यहाँ पर 3 भैया रहते थे, उन तीनों के रहने से ना एक दिन की प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। जब हम नीचे वाले बिल्डिंग में भी थे ना, वहाँ भी अगल बगल तो वहाँ तो ज़्यादा भर भर के लोग रहते थे ना, वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी जो आया ना, मियाँ बीवी है और एक लड़का है, शायद बस 5 लोग हैं, 2 जोड़ा है, 1 लड़का है। इतना झाँक झाँक के जा रहे हैं, गर्मी देखो, पसीना दिख रहा है मेरा, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, पर हम दिखा रहे हैं। अंदर से हम लोग चू रहे हैं अपने फोरहेड, देखो टकला का तो हालत हम बता नहीं सकते, फेस चमक रहा होगा पसीना से। तो हम लोग दरवाज़ा खिड़की जैसा कि आप देख सकते हो बंद नहीं कर सकते, ठीक है। जब ये लोग आ रहे हैं तब घूर रहा है, जब आ रहा है तब घूर रहा है, मतलब यार प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। लस कर दिया,
लस कर दिया है। इनफैक्ट कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सोए हुए भी रहते हैं, जैसे सुबह के 4 बजे की बात है, हम लोग खिड़की और दरवाजा हल्का खोल लिए थे क्योंकि गर्मी से परेशान थे, ये लोग टट्टी वट्टी जा रहे थे ऐसे झांक के। हम बोले रे भाई क्यों झांकना है तुमको दूसरों के घर में। नहीं यार देखो अब, लेकिन थैंकफुली हम लोग आज जा रहे हैं, अब हमें यहाँ नहीं रुकना सीरियसली, नहीं तो अगर ज्यादा दिन लोगों के साथ 5-6 दिन रहने वाला हो जाता ना तो हम परेशान हो जाते, हम लिटरली डाल देंगे। हाँ ठीक है, मम्मी से तो बात कर लिए हम। अभी 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 क्या करना है, बहुत सारा काम करना है यार, अभी बर्तन है, तेल है, नमक है, ओ गॉश, और सब हमने ना बॉटल 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 लिया है और बॉटल में से छोड़ा जाता नहीं है। आई लव बॉटल्स, कैसे ले जाएंगे बर्तन है, आई डोंट नो। अभी दीदी बहुत ज्यादा गिल्ट में है, क्यों? क्योंकि हमने जो ट्रेन के लिए बनाया था कचौड़ी और ये सब्जी हमने मंगवाया था, वो हम लोग बेसिकली ट्रेन में लंच करने वाले थे, पर आकाश एक खाया, हम बस गलती कर दी एक क्वार खा के, फिर मेरे मुंह का पानी रुका नहीं, फिर तुम्हारा जीभ भी नहीं रुका, मुंह भी नहीं रुका, जो रफ्तार बढ़ी है दोस्तों। हम खा गए सब, रानी भी खा रही, तुम भी खा रही हो, 5 रेल दी, 5 कचौड़ी रेल दी। हाँ यार अब जा रहे फिर से ट्रेन का बनाने के लिए। रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग यही काम कर रहे हैं, सुबह 4 बजे तक सोएंगे नहीं हम लोग, 6 बजे की ट्रेन है। और दीदी स्टिल काम कर रही है, मैगी बना रही है, सब कुछ हो गया बस मैगी बाकी है, ये भी हो गया। एक्चुअली मैगी बनाने का रीजन था कि प्याज बचे थे, मिर्ची बची थी, सॉस थोड़ा सा था, हमने खत्म कर दिया बना के। हाँ ट्रेन में हम लोग खा ही लेंगे ना, और ये कोई अच्छी मैगी नहीं बनने वाली है, काम चलाओ। अरे सेम सेम बोले, चलो कोई नहीं जल्दी से इसको भी पैक करते हैं, फिर दीदी को बर्तन भी धोना है और नहाना भी है। तो जी निकलने का वक्त आ चुका है फाइनली, थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि इतने दिन हम लोग यहाँ पर थे ना, तो हमारी ना थोड़ी अटैचमेंट हो गई है इस जगह से, है ना, एंड बस मौसम का छोड़ देना तो ये जगह अच्छी है, पर मौसम आया है इतना ही बर्दाश्त हो रहा, एंड होपफुली ले देखे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पर हम लोग दोबारा नहीं आना चाहते वेलोर। नहीं 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 नहीं, मतलब घूमने के आना चाहते ऐसे बीमारी में। हाँ समझ जाओ, एंड हमारी सारी पैकिंग हो गई है, and it's time to say goodbye to this room, to this beautiful room. हम चारों ओर देख रहे हैं, पता दीदी मन में रहता है ना कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ छूट रहा है यार, जो बोलो हम मिस करेंगे, पता है यार हमको बुरा लग रहा है, मतलब कलकत्ता से ज्यादा अटैचमेंट हमको यहाँ, क्योंकि कलकत्ता में हम लोग 3-4 दिन थे, यहाँ हमने 20 दिन अप्रोक्सीमेटली यार, सीरियसली, और समय कैसे गुजरा पता भी नहीं चला, एक दिन भी हमें भारी नहीं लगा यहाँ पर ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खत्म, टाटा बाय बाय। अब हम लोग जा रहे हैं, अब स्टेशन पे आप लोगों को क्या दिखा है? हाँ वैसे भी हमारे पास दीदी इतना सामान है ना कि फोन पकड़ने का हम लोगों के पास एग्जैक्टली 3 झोला एक्स्ट्रा पड़ गया है। तो हम लोग स्टेशन पर आ गए हैं एंड बड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है यार, 20 दिन पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे ना, अच्छी फीलिंग के साथ नहीं आए थे, बहुत कुछ मन में चल रहा था, बहुत मनहूसियत छाई हुई थी, एंड आज 20-22 दिन के बाद जब यहाँ से जा रहे हैं रानी, तो थोड़ा सा ना सेटिस्फेक्शन लग रहा है, संतुष्ट होके जा रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, एक स्माइल के साथ जा रहे हैं। आई होप जो भी यहाँ पर इलाज को लेकर आए वो लोग ऐसी हंसी खुशी जाए ना दीदी, हाँ। सब चीज हटा के सारा टेंशन दूर करके, एंड जैसे कि हम लोग 20-22 दिन यहाँ पर रुक गए ना, लग रहा है यार बुरा, हाँ। पता है मेरे को ना रूम छोड़ते वक्त बुरा लग रहा था, मेरे को वो गेट बंद करते वक्त बुरा लग रहा था, उस गली से निकलते वक्त मेरे को बुरा लग रहा था, जहाँ से हम लोग पानी लेते थे, कोल्ड ड्रिंक मंगवाते थे, जहाँ से हम लोग मिठाई खाते थे, मेरे को वो सब देख के बुरा लग रहा था कि बस हो गया, ये सब ना हम लोग लास्ट टाइम ही देख रहे हैं, इसके बाद नहीं ही देखेंगे, कब क्या देखेंगे। फिर हम लोग रास्ते पर आ रहे थे, हम लोग KFC देख रहे थे कि हमने यहाँ पर खाया था, मिनीसो देखा हमने कि हमने यहाँ पर शॉपिंग नहीं किया, करने के लिए तो कहते मतलब ठीक है यार, हर एक रोड देख रहे थे, हर एक चौराहा देख रहे थे कि यहाँ से हम लोग गुजरे थे, यहाँ पर ये काम किए थे। क्या 7:20 में आएगा ट्रेन, लेट है, डोंट टेल मी। भाई आप लोगों को पता है हम लोग कितने बजे से यहाँ पर आए हुए हैं? 4:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए, ट्रेन है 6 बजे की, अब है ट्रेन 7:15 की। कोई बात नहीं, मैगी बनाए, चल मैगी खाते हैं, अभी नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, आज की वीडियो के लिए यही, वीडियो पसंद है तो रानी क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कर दो, और नए वीडियो का वेट करो, ठीक है? ये है ना कि बात है कि मम्मी को फोन करके बोलना होगा कि चिकन चिली मत बना, क्योंकि हम रात में भी हो सकता है 11-12 बज जाएगा आते आते, यार घर वाले वेट कर रहे हैं। चलो सीधे अब रांची में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।